सभी मेरे मित्र, मेरे हिंदू भाई, मेरी माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कल मैंने एक छोटा सा एक मैटर डाला था मेरे पेज पे कि उपचुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई बंधुओं ने जो प्रदर्शन किया है, जैसे कैराना जैसे क्षेत्र में हमारे ही हिंदू भाइयों की आपसी झगड़े में वो सीट भी हारनी पड़ी हमें, और जैसे अनेकों वर्ष हम गुलाम रहे, मुगलों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, अंग्रेजों द्वारा भारत देश के सभी भाई बंधुओं पर अत्याचार किया गया, तो भी हमारे लोगों की जो मेंटालिटी है, देखिए किस प्रकार से आज मेंटालिटी है हमारे भाई बंधुओं की। जरे में हमारे हिंदू भाई बंधु नाराज हो जाते, जरे में ये नहीं समझते कि देश का वातावरण किस प्रकार से चल रहा है और क्या आगे भविष्य है हमारा। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना मेरे भाइयों, अगर वो व्यक्ति का जब छोटा पद होता है तब उसकी सोच अलग होती है और जिम्मेदारी भी अलग होती है। जैसा ही वो व्यक्ति अगर बड़े पद पे जाता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है और वो व्यक्ति की यानी कुछ ये कर सकता है ये वो व्यक्ति, और कुछ काम नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सो ऑलरेडी काम हो रहा है, जैसे मोदी जी द्वारा 3 तलाक का जो काम किया है मोदी जी द्वारा, ये बहुत बड़ा काम है, कई महिलाएं खुश है मोदी जी से। और हमारे भाई बंधु बहुत सारे मैसेज में देख रहा था, बहुत सारे अनेकों मैसेज के, भैया हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा वैसा ये वो, बहुत सारे मैसेजेज मैंने पढ़ा। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि मैं पहला और आखिरी विधायक शायद हो सकता हूँ जो पहले धर्म बाद में राजनीति कहने वाला मैं विधायक हूँ, और मेरे लिए ये जो सीट है ना, जो विधायक की जो सीट है ना, ये महत्व नहीं है, मुझे मेरा धर्म महत्व है, मुझे मेरा देश महत्व है, मेरा धर्म सुरक्षित रहे ये मेरी सोच है, मेरा देश सुरक्षित रहे ये मेरी सोच है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए चाहे प्राण देने पड़े या कुछ भी करने के लिए, मैं राजा सिंह तैयार हूं और आने वाले समय में भी तैयार रहूंगा। और रही मोदी जी की बात या योगी जी की बात, जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत सारे उनके वादे, बहुत सारे उनकी प्लानिंग हमें देखने को मिली, और आप लोग भी देखे सुने, और सब लोगों के आशीर्वाद से, सब लोगों के सहयोग से आज प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मेरे भाइयों, कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, डायरेक्टली हिंदू हित की ये बात नहीं कर सकते। कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, किसी एक धर्म के लिए वो व्यक्ति बात नहीं कर सकते, सभी को धर्मों को लेकर चलना पड़ता है, ये उनका काम है। लेकिन आप जैसे हिंदू भाई बंधुओं का, हमारे जैसे हिंदुवादी नेताओं का क्या काम है कि भारत देश का वातावरण क्या है और हिंदुओं की डिमांड क्या है, ये हम उनके सामने रखना, ये हमारा अधिकार है। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम मोदी जी तक आपकी बात, हमारी बात हम पहुंचा सकते हैं, और ये काम आप भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं, और हमारी बात हम पहुंचाएंगे आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक हम मोदी जी तक हमारी ये बात पहुंचाएंगे कि मोदी जी भारत देश का 100 करोड़ हिंदू आपके साथ है, मोदी जी पहला काम आपको करना है अयोध्या में भव्य राम मंदिर आपको बनाना है, मोदी जी कश्मीर से जो मेरे 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को भगाया गया कश्मीर से, वही स्थान पर फिर से कश्मीरी पंडितों को मकान बनाकर उनको वहां पर बसाना है, ये हम हिंदुओं की डिमांड है। मोदी जी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, ये हमारी डिमांड है, ये हिंदुओं की डिमांड है, हम डिमांड कर सकते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन गुस्से में आकर हम किसी और व्यक्ति को जिता देंगे, राजनीति के प्रति हम अगर विचार करें तो किसी और व्यक्ति को हम जिता देंगे, तो ये बहुत गलत है। चलो मेरे सभी हिंदू भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूं, चलो
2019 में हम मोदी जी को हरा दिए, क्या होगा? मोदी जी का कुछ लाश होगा? अरे मोदी जी का परिवार ही नहीं है, मोदी जी का परिवार भारत देश की 100 करोड़ जनता है। मैं 25 करोड़ की बात नहीं करता हूं, मोदी जी तो 125 करोड़ की बात करते हैं। नहीं, मैं हिंदू हूं, हिंदू होने के नाते मोदी जी को ये कहूंगा कि 100 करोड़ आपका परिवार है और 100 करोड़ के हित में आप सोचिए। 100 करोड़ क्या सोचते हैं, 100 करोड़ की डिमांड क्या है? जब 100 करोड़ का वोट बैंक मोदी जी आपके साथ है तो क्यों ये गोल टोपी वालों के पीछे पड़ते हो आप? छोड़ दो, क्योंकि आने वाले 2019 में कितने विरोधियों का दल बन चुका है, सारे के सारे चोरा एक मंच पर आकर बैठ चुके हैं, देश को लूटने वाले लोग, देश को सर्वनाश करने वाले लोग, सारे के सारे लोग एक मंच पर आकर बैठकर टारगेट क्या है? मोदी को हराना है। और ये टारगेट में हमारे जो बेवकूफ जो हिंदू है उसमें उनको सहयोग कर रहे हैं और उसमें वो लोग सफल हो रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहूंगा, ठीक है 2019 में मोदी जी को हरा दी, हराने के बाद क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, जिन्होंने कभी हिंदू हित की बात नहीं करी? बंगाल में हिंदुओं को काटा जा रहा है, केरला में हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या ऐसे लोगों को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? मेरे भाई, सबको इकट्ठा होना है और मोदी जी को हमारी ताकत भी बताएंगे कि मोदी जी आप ये गोल टोपी के चक्कर में मत पड़िए, 100 करोड़ हिंदू हित की बात कीजिए आप। 100 करोड़ हिंदू क्या चाहते हैं आप उनकी सोच विचार समझकर आप तुरंत हिंदुओं के हित की बात करो, ये हम कह सकते हैं, ये हमारी डिमांड है। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदू हित की बात करने वाले बहुत कम नेता बचे हुए हैं। आपके एक छोटे से कमेंट की वजह से वो नेताएं घर में ना बैठ जाए, वो नेताओं का मनोबल ना टूट जाए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप सबका कर्तव्य बनता है। मैं मोदी जी का समर्थन हूं और रहूंगा, क्यों? क्योंकि जब मेरे राम सेवकों को जिंदा जलाया गया तब कुछ नेताएं थे जो हमारे राम सेवकों को जो जिंदा जलाए थे उनमें से कुछ नेताएं जो बदला लिए, ये हम कह सकते हैं। बस कुछ कार्य है जो हम मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले धर्म बाद में राजनीति, ये हमारी विचारधारा है और हम सबको इकट्ठा होकर एक आवाज लगाना है। प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक हमारी एक ही आवाज जाना है कि पहले धर्म हित में कार्य करो तो ये 100 करोड़ हिंदू आपके साथ है। अगर आप धर्म हित में कार्य नहीं करोगे, वही शौचालय, वही कच्ची रोड, वही ड्रेनेज के चक्कर में आप अगर पड़े रहोगे तो ये आपका लाश है, हिंदू समाज का लाश है। फिर कोई सेक्युलर आकर हमारे पे राज करेगा तब हम रोते बैठेंगे, ये हमें काम नहीं करना है। हमें हमारी आवाज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाना है। हिंदुओं की जो डिमांड है, हिंदुओं की जो मांग है, वो हमें मोदी जी तक पहुंचाना है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और सबसे पहले मेरे भाइयों, हमें अयोध्या राम मंदिर और गौ हत्या का इशू जितना हो सके उतना हमें इस इशू को हमें आगे बढ़ाना है। और 24 जून 25 और 26 जून को मैं अयोध्या आ रहा हूँ रामलला के दर्शन करने के लिए। वही समय पर मैं योगी जी से भी मुलाकात करूँगा और अयोध्या राम मंदिर के जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के इश्यू में भी मैं बात करूँगा। और जितना हो सके उतना मेरे भाइयों, ये मेरा प्रयत्न रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदू हित के प्रति कार्य हो, काम हो और ये काम जितना हो सके उतना आगे बढ़े, ये मेरी सोच होगी। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, ये भी एक बात कहना चाहूँगा, अगर मोदी जी अगर हिंदू हित के प्रति अगर खड़े नहीं होते हैं, मैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर खुलेआम मैं हिंदू हित के लिए रोड पर आऊँगा और मोदी जी का सबसे पहले मैं विरोध करूँगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, पहले मेरा धर्म बाद में राजनीति, धर्म के हित में लड़ना है,
धर्म के हित में कार्य करना है, यही मेरी सोच है और आपकी सोच मेरी सोच एक ही है। चलो हम सब लोग एक संगठित होकर आवाज उठाए कि पहले हमारे धर्म हित में कार्य करें, बाद में जो करना है करें। ये हम आवाज लगाकर मोदी जी तक हमें हमारी आवाज को पहुंचाना है। मेरे भाइयों, जितने भी भाई बंधु ऑनलाइन आए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं जो मन में, यानी मैं मन से बात करता हूं और मेरे मन में आया सब मैं बात करा मेरे भाइयों। धन्यवाद। जय श्री राम।